आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एवरीथिंग पर। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रोनाउन डेफिनेशन। प्रोनाउन आर द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिसे कि हम एक नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही, शी, दे, वी, यू, दिस, दैट, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 8 तरीके के होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक वाक्य के अंदर एक विषय का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए ही इज मैड, वो पागल है। इस सेंटेंस के अंदर ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वेर इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में थे। इस सेंटेंस में भी वी एक सब्जेक्ट है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक वाक्य के अंदर एक वस्तु का कार्य करता है। रिसीव द वर्ब, वाक्य के अंदर जो क्रिया होता है वो उसे प्राप्त कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए रितु वॉज विथ मी, रितु किसके साथ थी, रितु मी के साथ। तो यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ क्योंकि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेबी इज वॉचिंग यू, बेबी किसे देख रही है, यू को देख रही है। सो यहाँ पे भी यू एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। नंबर 3 पॉजिटिव प्रोनाउन। अ पॉजिटिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पार्टिकुलर थिंग। एक पॉजिटिव प्रोनाउन हमें बताता है कि किसी भी एक विशेष वस्तु के ऊपर किसका अधिकार है। इट शोज ओनरशिप एंड रिलेशनशिप। ये किसी भी वस्तु के ऊपर किसी भी व्यक्ति का अधिकार या फिर किसी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताता है। एग्जाम्पल के लिए यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो। यहाँ पर यू और माई के बीच में रिलेशन है। किसका रिलेशन है, सन का रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका है। ये पेन किसका है, ये पेन उसका है। तो यहाँ पे भी पेन और हर के बीच में एक ओनरशिप का रिलेशन है, वो उस पेन को ओन करती है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन यूजेस ऑफ पॉजिटिव केसेस एंड चेंजेस। पॉजिटिव प्रोनाउन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है और चेंज भी होता है। में चेंज हो जाता है, आवर, आवर्स में चेंज हो जाता है, योर, योर्स में चेंज हो जाता है, हिज, हिज ही रहता है। ये एक एक्सेप्शन है, ये चेंज नहीं होता है। हर, हर्स में हो जाता है, देयर, देयर्स में हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा कब और कैसे चेंज होता है। एंड माइन, दोनों का मतलब है मेरा, पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आए तो माइन का प्रयोग होगा, और अगर मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो तो मेरा के लिए माई का प्रयोग हो। सिमिलरली वैसे ही योर और योर, दोनों का मतलब तुम्हारा होता है, पर अगर वाक्य में तुम्हारा अकेले आए तो योर का प्रयोग होगा, और अगर वाक्य में तुम्हारा के साथ कुछ जुड़ा हुआ हो तो तुम्हारा के लिए योर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हर एंड हर, दोनों का मतलब उसका होता है, पर अगर वाक्य में उसका अकेले आए तो हर का प्रयोग होगा, और अगर उसका के साथ कुछ जुड़ा हुआ हो तो उसका के लिए हर का प्रयोग होगा। इसके बाद है आवर एंड आवर्स, दोनों का मतलब है हमारा, पर अगर वाक्य में हमारा अकेले आए तो आवर्स का प्रयोग होगा, और अगर हमारा के साथ कुछ जुड़ा हुआ हो तो हमारा के लिए आवर का प्रयोग होगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माई एंड माइन, फर्स्ट एग्जाम्पल है माई शर्ट इज ग्रीन। यहाँ पर माई का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ माई के साथ शर्ट जुड़ा हुआ है। शर्ट किसका है, ये शर्ट मेरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द शर्ट इज माइन, क्योंकि यहाँ शर्ट के साथ कोई और वर्ड ऐड नहीं है इसलिए हम यहाँ माइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर और योर्स के लिए, योर बुक इज न्यू, तुम्हारा बुक न्यू है। यहाँ पे भी योर के साथ बुक जुड़ा हुआ है इसलिए हम योर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक इज योर, क्योंकि यहाँ बुक के साथ कोई और वर्ड नहीं है इसलिए हम योर यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं आवर एंड आवर, दिस इज आवर स्टोरी, ये हमारी कहानी है। नेक्स्ट, दिस स्टोरी इज आवर, ये कहानी हमारी है।
पहले वाले एग्जाम्पल में आवर के बाद ही स्टोरी था, इसलिए हमने सिर्फ आवर लिखा। और नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में स्टोरी के बाद कोई भी वर्ड ऐड नहीं है, इसलिए आवर्स लगेगा। नेक्स्ट है हर एंड हर। दिस इज हर बेबी। इस सेंटेंस में हर के जस्ट बाद बेबी है, इसलिए हम यहाँ हर यूज कर रहे हैं। सेंटेंस के अंदर हर अकेले नहीं आया है, इसके साथ बेबी वर्ड भी है। नेक्स्ट है दिस बेबी इज हर। ये बच्चा उसका है। यहाँ पे नंबर 4 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक वाक्य के अंदर उसके विषय को दोबारा से दिखलाता है। एग्जाम्पल के लिए ही विल डू इट हिमसेल्फ। वह उसे खुद से करेगा। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ प्रोनाउन। हिमसेल्फ ही को दोबारा से रिफ्लेक्ट कर रहा है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और माई सेल्फ प्रोनाउन। माई सेल्फ आई को दोबारा से दिखा रहा है, वो उसे खुद करेगा। नंबर 5 इंटेंसिव प्रोनाउन। एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फसाइजेस इट्स एंटीसिडेंट नाउन और प्रोनाउन। एक इंटेंसिव प्रोनाउन अपने से पहले लगे हुए नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जोर देता है, दबाव देता है। When a reflexive pronoun is used just after noun, is termed as intensive pronoun. जब किसी भी वाक्य के अंदर noun के तुरंत बाद एक reflexive pronoun use हो, तो वो एक intensive pronoun बन जाता है। Example के लिए, I myself should try. मुझे खुद कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर I एक subject है और वो एक pronoun है। इसके तुरंत बाद myself use हुआ है, तो ये एक intensive pronoun होगा। Next example है, she herself should do it. उसे यह खुद करना चाहिए। यहाँ पे भी she subject है, वो एक pronoun है और उसके बाद herself लगा है, so यह भी एक intensive pronoun होगा। Number 6 indefinite pronoun. An indefinite pronoun refers to an indefinite general person or thing. एक indefinite pronoun किसी भी एक अनिश्चित या सामान्य व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। Example के लिए all people are good. सभी लोग अच्छे हैं। यहाँ पे कोई fixed person के बारे में नहीं बताया गया है, all बोला गया है, सभी अच्छे हैं। So, इसलिए ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है सम पीपल आर क्रेजी। कुछ लोग पागल होते हैं। यहाँ पे भी फिक्स नहीं बताया गया है, सम पीपल है, सो ये भी एक इनडेफिनाइट प्रोनाउन होगा। नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन। एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी वाक्य के अंदर एक नाउन को दिखाता है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है। एग्जाम्पल के लिए दिस इज माई पेन। यह पेन मेरा है। यहाँ पे दिस एक प्रोनाउन है, पेन एक नाउन है और दिस पेन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, सो यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है डैट इज योर बुक। बुक यहाँ पे नाउन है, डैट प्रोनाउन है और डैट बुक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि यह बुक तुम्हारा है, सो यह भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 8 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। An interrogative pronoun is used to ask questions. एक interrogative pronoun प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The answer of which is definitely a noun or pronoun. जिसका उत्तर जरूर से एक noun या pronoun ही होता है। Example के लिए What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Next example Who is your mother? तुम्हारी माँ कौन है? तो इसी के साथ हमारा प्रोनाउन खत्म हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।